दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब ने आईपीएल से अरबों डॉलर कमाने का प्लान का ऑफर भारत सरकार को दिया है। सऊदी अरब की नज़रें फुटबॉल मैच के बाद अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल पर है। सऊदी अरब आईपीएल में अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। सऊदी अरब फुटबॉल और गोल्फ के खेलों में पहले ही अपना निवेश कर चुका है और अब क्रिकेट पर उसका फोकस लग रहा है। इसके लिए उसने प्लान भी बनाया है। इससे उसकी कोशिश खुद को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्थापित करने की है। सऊदी अरब का प्रस्ताव है आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में बदला जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने अपनी योजना को लेकर भारत सरकार के अधिकारियों से बात भी की है। जो आईपीएल है उसकी वैल्यू 30 अरब डॉलर है। सऊदी अरब चाहता है आईपीएल होल्डिंग कंपनी में बदला जाए। ये बात जब हुई जब मोहम्मद बिन सलमान G20 में भारत आए थे, तब उन्होंने आईपीएल लीग में $5 बिलियन के निवेश की बात कही थी। सऊदी अरब चाहता है फुटबॉल लीग की तरह आईपीएल का दूसरे देशों में विस्तार हो। सऊदी अरब जल्द ही इस प्लान पर काम करना चाहता है। हालांकि भारत सरकार और बीसीसीआई पूरे विचार करने पर ही इस बात पर फैसला लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। हम आपको यह भी बताएं, आईपीएल क्रिकेट मैच है वो दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आईपीएल प्रशासन ने 427.1 बिलियन मिनट के समय को रिकॉर्ड किया है, यानी लोगों ने मैच देखा है और 505 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया है। डिजिटल पर भी लोग इसे खूब देखते हैं। जियो सिनेमा के मुताबिक 449 मिलियन दर्शकों ने उसके प्लेटफॉर्म पर आईपीएल देखा। इसमें से 126 मिलियन से ज़्यादा दर्शकों ने मैच देखने के लिए टीवी कनेक्टेड विकल्प चुने। आईपीएल हमेशा से ही क्रिकेट बिजनेस और मनोरंजन से मिला जुला रहा है, क्योंकि आईपीएल ने टेलीविज़न और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को आकर्षित करता है। लोग इसको आईपीएल मेला भी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।